अब सुनिए प्रदेश की दिन भर की हाइलाइट्स सुजस आवाज राजस्थान के साथ। मेधा के साथ सुजस पॉडकास्ट में आप सुन रही हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली आपदा प्रबंधन को लेकर अधिकारियों की बैठक, प्रबंध कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने अत्यधिक वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, जयपुर शहर का किया दौरा, जल भराव की समस्याओं पर तुरंत एक्शन के निर्देश। और मुख्यमंत्री ने तिरंगा मैराथन को किया रवाना, कहा तिरंगा राष्ट्रीय स्वाभिमान, एकता और अखंडता का प्रतीक। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर आपदा प्रबंधन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक ली। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर देते हुए लिखा, जन जन की सरकार आपकी अपनी सरकार। प्रदेश में हो रही भारी बारिश के चलते आज मुख्यमंत्री निवास पर आपदा प्रबंधन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अतिवृष्टि से प्रभावित जिलों की वर्तमान स्थिति के साथ ही प्रबंधन को लेकर आगामी उपायों पर भी चर्चा की। बैठक के दौरान अधिकारियों से वृष्टि प्रभावित स्थानों पर जाकर प्रबंध कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रदेश की सरकार जन जन की सरकार है और इस आपदा के वक्त हमेशा आमजन के साथ खड़ी है। आपदा प्रबंधन में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। सभी प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि बहाव क्षेत्रों से दूर रहें और सुरक्षित रहें। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अत्यधिक वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर देते हुए लिखा, हर परिस्थिति में नागरिकों के साथ खड़ी है राजस्थान सरकार। प्रदेश में हुई अत्यधिक वर्षा के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर आज प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और वर्तमान स्थिति का विस्तृत अवलोकन और मूल्यांकन किया। सेवा परमो धर्म के संकल्प के साथ हमारी सरकार प्रभावित जनमानस को त्वरित और प्रभावी सहायता और समुचित राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर क्रियाशील है। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री ने सोमवार को जयपुर शहर का लगभग 3 घंटे लगातार निरीक्षण कर बारिश से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सांगानेर, मानसरोवर, जगतपुरा और विद्याधर नगर क्षेत्रों में जल भराव वाली जगहों, क्षतिग्रस्त सड़कों, गड्ढों, ड्रेनेज सिस्टम और सार्वजनिक प्रकाश से संबंधित समस्याओं के तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने मालविया नगर स्थित अंडरपास का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को अंडरपास के लिए पुख्ता कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए ताकि यहां जल भराव ना हो और किसी प्रकार की दुर्घटना भी घटित ना हो। मुख्यमंत्री ने B2B बाईपास और महारानी फार्म क्षेत्र में द्रव्यवती नदी का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नदी को स्वच्छ रखने के लिए हर संभव कदम उठाएं और किसी भी प्रकार से इसे दूषित ना होने दें। इसके साथ ही श्री शर्मा ने सीकर रोड स्थित चौमो पुलिया, डेहर के बालाजी रोड नंबर 9 और रोड नंबर 14 पर जल भराव की समस्या पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जयपुर विकास प्राधिकरण के अभियंता क्षतिग्रस्त रोड और गड्ढों की तुरंत मरम्मत कराएं। उन्होंने कहा कि जिन कार्मिकों की वजह से सड़क क्षतिग्रस्त हुई है उन पर कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर उन्होंने आमजन से भी फीडबैक लिया। श्री शर्मा ने सांगानेर क्षेत्र स्थित कल्याणपुरी कॉलोनी में आत्मीयता के साथ आमजन की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने सीकर रोड स्थित रोड नंबर 9 पर पान की दुकान चलाने वाले श्री महावीर सिंह से भी गड्ढों पर फीडबैक लिया और संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला कलेक्टर को भारी बारिश से हुई समस्याओं पर बैठक करने और तुरंत एक्शन लेने के भी निर्देश दिए। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा मैराथन को अल्बर्ट हॉल से रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आसमान में गुब्बारे छोड़कर हर घर में तिरंगा फहराने का संदेश दिया। श्री शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज थामे स्वयं भी धावकों के साथ मैराथन में हिस्सा लिया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की ओर से आयोजित इस रैली में हजारों धावकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। श्री शर्मा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी अभिनव पहल है जो देश के प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौरव की भावना जागृत करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान, एकता और अखंडता का प्रतीक है। इस तिरंगा मैराथन के माध्यम से हम सभी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में देश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी को देश में विकास में योगदान देने का संकल्प लेना चाहिए जिससे विकसित भारत की परिसंकल्पना
साकार हो सके। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि हम सभी राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से काम करें, जिससे देश और प्रदेश आगे बढ़ सके। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की नेक रैंकिंग के लिए 15 दिन में टीम बनाने, प्रतिवर्ष 8 विश्वविद्यालयों की नेक रैंकिंग करवाने और 5 वर्ष में सभी विश्वविद्यालयों की नेक रैंकिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में रिक्त पदों की जानकारी लेते हुए वहां रिक्त पदों को भरने की तुरंत कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों में बौद्धिक क्षमता बढ़ाने और कॉपी मुक्त शिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए भी कार्य करने पर जोर दिया। साथ ही तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत राज्य के उद्योगों की मांग के अनुसार पाठ्यक्रम निर्मित कर युवाओं को दक्ष किए जाने पर भी जोर दिया। राज्यपाल श्री बागड़े उच्च तकनीकी और संस्कृत शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने तकनीकी शिक्षण संस्थानों की साख बढ़ाकर नामांकन वृद्धि के प्रयास किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने राज्य के विश्वविद्यालयों और विद्यालयों की नेक रैंकिंग के आवेदन के लिए यहां का सर्वे करवाकर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने संबंध में अभियान चलाकर प्रतिवर्ष न्यूनतम 8 से 10 विश्वविद्यालयों की नेक रैंकिंग के लक्ष्य निर्धारित कर कार्रवाई करने का भी आह्वान किया। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को अजमेर जिले के लिए की गई बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि सरकार द्वारा बजट में प्रत्येक वर्ग की आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है। इन घोषणाओं के समय पर क्रियान्विति के लिए सरकार कटिबद्ध है। दिया कुमारी ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी सेवाओं की स्थापना के लिए टीबी अस्पताल को महिला चिकित्सालय परिसर में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त बजट का प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाए। उन्होंने कहा कि पुष्कर मेले की पुरानी धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान पुनः कायम करने के लिए सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने मानसून के दौरान जल भराव वाले क्षेत्रों में जल निकासी की उचित व्यवस्था के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में बनने वाली सड़कों के साथ नाली का भी प्रावधान होना चाहिए। सड़क बनाने से पूर्व समस्त क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त करे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में स्थानीय जन प्रतिनिधियों की सलाह के अनुसार कार्य किया जाए। जिले में स्थापित समस्त खेल मैदानों का उपयोग होना चाहिए। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों की प्रतिभाएं छुपी हैं, उनको आगे लाने के लिए भी पर्याप्त उपकरण और प्रशिक्षण होने चाहिए। इसके लिए DFMT और SFC जैसे फंडों का उपयोग किया जाए। सीकर जिले के रिंगस में वेदांता फाउंडेशन की ओर से नव निर्मित वेदांता गोपालिका गर्ल्स हॉस्टल का उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज में बालिकाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उच्च शिक्षा की दिशा में भामाशाओं के सहयोग से बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। श्री बैरवा ने सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि छात्राएं अपनी पढ़ाई में जज्बा रखें तो उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस महाविद्यालय में बालिका छात्रावास के निर्माण से अब दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को आवास की सुविधा मिलने के साथ ही वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी। घर घर तिरंगा महाअभियान के तहत सोमवार को अजमेर जिले में तिरंगा वॉकाथॉन का आयोजन कर राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया गया। इसे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री देवनानी ने कहा कि हम सभी मिलकर आजादी का पर्व मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया, ये समस्त देशवासियों को एक करने का प्रयास है। तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। इस तिरंगा वॉकाथॉन से देशभक्ति का भाव जागेगा। साथ ही उन्होंने प्रत्येक घर पर तिरंगा फहराने की अपील की। इसी क्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा संकुल में आयोजित समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि हरियालो राजस्थान के अंतर्गत लगाए जा रहे पौधों के वृक्ष बनने तक नियमित देखभाल सुनिश्चित करें। बैठक में शिक्षा मंत्री ने प्रवेशोत्सव, मॉडल विद्यालयों के नामांकन, कार्मिकों की भर्ती, पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति, छात्रवृत्ति, निःशुल्क टैबलेट और साइकिल वितरण, विश्वविद्यालय भवनों की मरम्मत और निर्माण कार्यों, RTI में प्रवेश सहित अन्य विषयों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।